मेरे पीछे यहाँ की जनता दोबारा इम्तियाज जलील साहब को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब की कामयाबी के बाद यहाँ पर हर समुदाय ये समझ रहा है कि इम्तियाज साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, और इम्तियाज साहब ने पूरी कोशिश की, पहला टर्म है उनका यहाँ पर डेवलपमेंट कराने के लिए, और फिर अभी भी जानते हैं कि 5 साल में 2 साल पूरे हो गया, उसके बावजूद इम्तियाज साहब ने पूरी कोशिश की। बरसों से जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ नहीं किया, तो अगर आप देखेंगे 5 साल में जो 2 साल कोविड के निकाल दिए, 3 साल में इम्तियाज साहब ने बहुत कुछ किया। वो जो स्कैम भी हुआ था, कौन सा आदर्श स्कैम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने, और मुझे यकीन है कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता उनको दोबारा कामयाब। कल के रिजल्ट को आप किस तरह से देखते हैं, कल के रिजल्ट को किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, स्पीकर साहब का जो फैसला है, मुझे जरा सरप्राइजिंग स्टेज लगा कि वो तो 10 शेड्यूल को भूल ही गए। ऐसा लगता है कि संविधान में 10 शेड्यूल नहीं है क्या? नहीं मालूम क्या होगा आगे। देखिए सर, भाजपा के नेता के एक न्यूज लगा है, तो एक चैनल पर 30 दिन का निर्बंध लगा है। भाजपा के एक नेता अभी गए ना हाईकोर्ट, गए ना वो लोग हाईकोर्ट गए, उनको इंशाल्लाह हाईकोर्ट से फैसला होगा, इंसाफ होगा। लेकिन साहब, आप महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे देखते हैं? मतलब जो भूचाल आ रहा है, हर 1-2 महीने के बाद भूचाल आ रहा है, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, ये कर रहा है, आप कैसे देखते हैं इस राजनीति को महाराष्ट्र की? तो ये जनता देख रही है, जनता देख रही है कि जैसा कपड़े उतार तैसा कपड़े उतार के चेंज कर रहे हैं, कभी कोई ये रंग का पहन रहा है, कभी वो रंग का पहन रहा है, मगर हम तो एक ही रंग में हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी हो सकती है? राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी हो सकती है? वो ऑफर करेंगे तो आप जा सकते हैं क्या? जलील साहब ने कहा था कुछ दिन पहले, उनसे पूछिए ना, अभी तो इम्तियाज साहब बोल चुके हैं, उनको बताना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो आप प्रस्ताव लेकर जाओगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, या वो लेकर आना चाहिए, क्या लगता है? इम्तियाज साहब तो बोल चुके हैं ना, उनका वो आपको बताएंगे। आगे वाले चुनाव में चलकर आपको अकेला लड़ोगे या साथ में लेकर लड़ोगे किसी को, क्या कह रहे हैं आप? पूरी यहाँ की जनता हमारे साथ है, आप हमारे साथ है ना भाई, हमारे साथ। राम मंदिर का जिस तरह से चल रहा है, कि आपको क्या लगता है सिर्फ चुनाव का मसला है या किसी के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं? करेंगे हिम्मत वो कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो आपके सामने है, हम उस स्टैंड से बदले नहीं हैं। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता। चलिए अभी नमस्कार।